بسم الله الرحمن الرحيم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما पिछले चंद खुतबात जुमा से विरासत के अहकाम और उनकी तफासील पर बात हो रही थी। सूरह निसा की आयात नंबर 11 और 12 की रोशनी में कि अगर कोई शख्स फौत हो जाए तो उस शख्स के फौत होने पर उसके कौन से वरसा वारिस होते हैं, कौन से रिश्तेदार वारिस होते हैं और किस किस वारिस को अल्लाह ताला ने क्या क्या हिस्सा दिया है। हम पढ़ चुके हैं इस बारे में कि वरसा उनके हिस्सों की दो किस्में हैं। बाज़ वरसा का हिस्सा फ़र्ज़ी होता है और बाज़ वरसा का हिस्सा असबी होता है। ये बड़ी बुनियादी तकसीम है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है इस्लाम के तकसीम विरासत के उसूल को समझने के लिए। या फ़र्ज़ी हिस्सा होगा या असबी हिस्सा होगा। फ़र्ज़ी हिस्सा लेने वाला वारिस उसे ज़ू फ़र्ज कहेंगे, फ़र्ज़ी हिस्से वाला, उसकी जमा असहाबुल फ़राइज़, फ़र्ज़ी हिस्सों वाले। और जो असबी हिस्सा लेने वाला वारिस है उसको असबा कह देते हैं कि वो असबा है। किसी भी वारिस के बारे में सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि उसका हिस्सा फ़र्ज़ी है या असबी। और फ़र्ज़ी और असबी की जो इनमें जो दरमियान जो बड़ा वाज़ह फ़र्क है दोनों के दरमियान, वो बड़ा आसान है कि जिसका हिस्सा मुकर्रर हो, निसफ, चौथा, छठा, आठवां, एक तिहाई, दो तिहाई कुल जायदाद में से जिसका हिस्सा तय है तो ये फ़र्ज़ी हिस्सा है। और जिसका हिस्सा तय ना किया गया हो, जिसको कोई हिस्सा तय किए बग़ैर ही वारिस बना दिया गया हो, तो उसके हिस्से को असबी हिस्सा कहते हैं। कुरान करीम में ज़्यादातर फ़र्ज़ी हिस्से बयान हुए हैं, अगरचे कुरान करीम में बाज़ असबी हिस्सों की तरफ भी रहनुमाई की गई है, इशारे किए गए हैं। तो सूरह निसा की आयत नंबर 11 जो हमारी ज़ेरे मुतालिया है और जिस पर गुफ्तगू जारी है एक दो हफ़्तों से, तो इस आयत नंबर 11 सूरह निसा की, इसके शुरू में अल्लाह ताला ने औलाद का हिस्सा बयान किया है। यूसीकुम अल्लाहु फ़ी औलादिकुम कहकर अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में वसीयत करता है। औलाद के बारे में जो हिस्से हमने पढ़े हैं, एक तो हमने ये पढ़ा लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन कि मर्द को दो औरतों के बराबर हिस्सा मिलेगा। और मैंने वजाहत की थी बड़ी तफसील के साथ कि यहाँ जो अल्लाह ने मर्द को दो औरतों के बराबर हिस्सा दिया है ये सिर्फ औलाद की सूरत में है। इसको विरासत में हमने उमूमी तौर पर ये उसूल और ये कुलिया नाफिज़ नहीं करना कि जहाँ भी मर्द हो जहाँ भी औरत हो तो ये कोई उमूमी कुलिया है। ये उमूमी कुलिया और फार्मूला नहीं है, ये जहाँ इसका ज़िक्र होगा बस वहीं ये अप्लाई होगा, ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा। तफसील से बात हो चुकी है, मैं उसको दोहराता नहीं हूँ। तो चूँकि ये औलाद के ज़िमन में बात हो रही है, तो जब भी औलाद में लड़का लड़की दोनों आएंगे तो फिर मर्द को औरत से डबल मिलेगा, एक मर्द को दो औरतों के बराबर मिलेगा। अल्लाह ने यह बता दिया कि मर्द का डबल होगा औरत से, लेकिन ये नहीं बताया कि मर्द औरत दोनों मिलकर, लड़का लड़की दोनों मिलकर अपने माँ से, अपनी माँ से या अपने बाप से लेंगे कितना, ये नहीं बताया। जब ये नहीं बताया तो ये फिर फ़र्ज़ी हिस्सा नहीं हुआ, ये असबी हिस्सा हुआ। और असबी हिस्सा वो गोया के
पहले असहाबुल फराइज को उनका हिस्सा देते हैं, जो बच जाए वो फिर असबा को देते हैं, और अगर असहाबुल फराइज हों ही ना, सिर्फ यही असबा हों, तो फिर असबा सारा माल ले लेते हैं। अगर बेटा बेटी हैं औलाद में और इन बेटा बेटी के अलावा कोई वारिस नहीं है, तो सारा माल बेटा बेटी का है, लेकिन कैसे तकसीम होगा? बेटे को डबल, बेटी को सिंगल, तीन अफराद शुमार कर लेंगे। और अगर दिगर वरसा भी होंगे असहाबुल फराइज, पहले असहाबुल फराइज जिनके फर्जी हिस्से मुकर्रर हैं उन्हें दे देंगे, बाकी बचने वाला माल लड़का लड़की को देंगे अगर बेटा औलाद में दोनों मौजूद हों तो। फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इस्नतैन फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक, अगर औरतें हों और वो दो से ज़्यादा हों, और मैंने बड़ी तफसील से वजाहत की थी कि दो औरतें हों तब भी यही हुक्म है, अगर दो औरतें ही हों सिर्फ औलाद में और वो दो से ज़्यादा हों या दो हों, फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक, तो उनके लिए कुल तरका का दो तिहाई है। कुल तरका का दो तिहाई ये अब फर्जी हिस्सा है। दो तिहाई का मतलब है कि कुल तरका के तीन हिस्से कर लें, उन तीन हिस्सों में से दो हिस्से, तीन हिस्सों में से दो हिस्से, सौ में से छियासठ, सड़सठ फ़ीसद, छियासठ इशारिया छियासठ फ़ीसद जितना भी बनता है, तो टू थर्ड जो है वो बेटियों को मिलेगा अगर वो सिर्फ बेटियां ही हैं और दो हैं या दो से ज़्यादा हैं। ये फ़र्जी हिस्सा है, ये असली हिस्सा नहीं है। व इन कानत वाहिदतन फलहन निस्फ, और अगर वो एक ही हो, व इनकानत वाहिदतन मौनस के सीगे हैं, यानी अगर बेटी हो और एक ही हो, फलहन निस्फ, तो उसे कुल तरका का निस्फ हिस्सा मिलेगा, ये भी फर्जी हिस्सा है। बस यहाँ तक अल्लाह ताला ने तीन जुमलों में औलाद के हिस्से मुकरर कर दिए हैं। तो हमने इन तीन जुमलों से बेटा बेटी की जितनी सूरतें बनती थीं वो हमने पिछले खुतबा में तफसील से बयान की। यहाँ तीन सूरतें बयान हुई हैं, एक बेटी हो तो फर्जी हिस्सा होगा और वो आधा होगा, अगर सिर्फ बेटी हो और एक ही हो, अगर एक से ज़्यादा बेटियाँ हों, दो या दो से ज़्यादा बेटा कोई ना हो, तो फिर भी फर्जी हिस्सा है, असबी हिस्सा नहीं है, फर्जी हिस्सा है, तो वो दो तिहाई होगा कुल जायदाद का। और अगर लड़का लड़की दोनों हैं तो ये असबा होंगे, लेकिन इनकी आपस की निस्बत, आपस की इनकी रेशो ये होगी कि मर्द डबल लेगा, औरत सिंगल लेगी, वैसे इनका हिस्सा असबी होगा। एक और सूरत बनती है जिसका यहाँ जिक्र नहीं है, और वो सूरत है कि अगर अकेला लड़का मौजूद हो बेटा, या एक से ज़्यादा लड़के मौजूद हों, तो मैंने उसकी वजाहत की थी कि फिर वो भी असबा होता है। बस फ़र्क वहाँ ये होता है कि अगर अकेला असबा हो तो वो बाकी सारा माल वो अकेला ले लेता है, या असहाबुल फराइज से बचा हुआ सारा माल, और अगर वो अकेला ही हो, कोई असहाबुल फराइज में से भी ना हो, तो कुल जायदाद का एक ही बेटा अकेला पूरी जायदाद का वारिस होता है। और अगर ज़्यादा बेटे हों तो असहाबुल फराइज से बचा हुआ उन्हें दे देंगे बराबर, और अगर असहाबुल फराइज नहीं है, सिर्फ बेटे ही बेटे हैं, तो सारा माल ही उन बेटों में तकसीम हो जाएगा, लेकिन बराबर तकसीम होगा। वो लड़का लड़की की तरह कोई डबल और सिंगल वाली सूरत नहीं होगी, वो डबल सिंगल वाली सूरत लड़का लड़की में होगी। तो गोया कि एक लड़का हुआ औलाद में, या एक से ज़्यादा लड़के हुए, तब तो वो उनका असबी हिस्सा है। और इसकी दलील सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, कि जो मैंने कहा कि एक लड़का हो या एक से ज़्यादा लड़के हों, एक बेटा हो या ज़्यादा बेटे हों, तो वो असबी हिस्सा लेंगे। इसकी दलील सही बुखारी सही मुस्लिम की मारूफ हदीस है, मुत्तफ़क अलैह हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने फ़रमाया अल्हिक़ुल फ़राइज़ बि अहलिहा, फ़र्ज़ी हिस्से उनके अहल को दे दो, फ़र्ज़ी हिस्से उनके अहल को, यानी फ़र्ज़ी हिस्से फ़र्ज़ी रिश्तेदारों को दे दो, असहाबुल फ़राइज़ को दे दो। फ़मा बकिया, जो बच जाए, फ़ली अउला रजुलिन ज़कर, तो वो सबसे करीबी मर्द रिश्तेदार का होगा। बहुत वाज़े और ऐसी हदीस है कि जिससे बहुत सारे मसले हल होते हैं। एक तो हदीस, ये हदीस मुबारक जो मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, सही बुखारी में भी सही मुस्लिम में भी कई संदों के साथ ये हदीस मुबारक मरवी है। एक तो इस हदीस मुबारक से पता लगता है कि असहाबुल फ़राइज़ और असबा में फ़ौकियत असहाबुल फ़राइज़ को होगी, पहले हिस्सा असहाबुल फ़राइज़ को दिया जाएगा,
الحق الفرائض بأهلها، فرضی حصے اصحاب الفرائض کو دے دو، فما بقیہ اگر کچھ بچے تو پھر وہ سب سے قریبی مرد کو ملے گا، یعنی اس کا مطلب ہے اگر کچھ نہ بچے پھر نہیں ملے گا، تو کس کی اہمیت زیادہ ہوئی؟ فرضی حصوں کی. اور دیکھیے یہ جو بہت بڑا اعتراض ہے اسلام کے اصول وراثت پر، عورتوں کو آدھا حصہ دیا گیا ہے، کم حصہ دیا گیا ہے، فرضی حصے سارے عورتوں کے ہوتے ہیں، ابھی آپ دیکھیں گے. اسبی حصے زیادہ تر مردوں کے ہوتے ہیں، اگر عورتوں میں حصہ ختم ہو جائے مردوں کا حصہ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے حصہ بچتا ہی نہیں. واضح حدیث ہے اگر بچ جائے تو پھر وہ سب سے قریبی مرد کو دے دو. کیا مطلب ہے؟ اگر نہ بچے تو پھر نہ دو. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اگر سگی بہنیں ہوں، آگے تفصیل پڑھیں گے ہم، دو سگی بہنیں ہوں تو ان کا حصہ دو تہائی ہے، اور اگر دو ماں شریک بہنیں ہوں تو ان کا حصہ ایک تہائی ہے، اور اگر ساتھ چچا بھی ہو، ایک آدمی فوت ہوتا ہے اس کے ورثہ میں دو سگی بہنیں ہیں، دو ماں شریک بہنیں ہیں اور چچا ہے یا بھتیجا ہے، تو سگی بہنوں کا دو تہائی ہے کل جائیداد کا فرضی حصہ، اور ماں شریک بہنوں کا فرضی حصہ ایک تہائی ہے. تو اگر کل جائیداد 600,000 ہے تو 400,000 دو سگی بہنوں کو مل جائے گی، اور دو تہائی اور ایک تہائی ماں شریک بہنوں کو مل جائے گا. اگر دو ماں شریک بہنیں ہیں، ایک تہائی انہیں مل جائے گا 200,000، تو 400,000 اور 200,000 سارا بہنوں میں تقسیم ہو جائے گا. بھتیجے کے لیے اگر بھتیجا ہو یا چچا ہو جو اسبہ ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں بچے گا. یہ حدیث مبارکہ کا مطلب ہے. تو یہ کہنا کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، یہ اسلام سے بھی ناواقفیت ہے، یہ وراثت سے بھی ناواقفیت ہے، اور یہ اسلام پر سراسر اعتراض ہے. اور یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں لا علمی کی وجہ سے. ہم ان سے کہتے ہیں پہلے علم تو حاصل کر لو، اور اسلام پر اعتراض کرنا یہ تو ویسے ہی کفر ہے، اللہ معاف کرے. اعتراض نہیں کرنا چاہیے، سمجھنے کے لیے علماء سے رابطہ ضرور کرنا چاہیے. تو اگر کچھ بچے تو وہ سب سے قریبی مرد کا ہے. اب سب سے قریبی مرد بیٹا ہوتا ہے، تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ لگا جو متفق علیہ حدیث ہے کہ اگر بیٹا ہو ایک یا زیادہ بیٹے ہوں تو وہ ایک لیول کے ہیں، تو وہ اسبہ ہوں گے. تو مسئلہ بڑا واضح ہو گیا کہ ایک بیٹا ہو یا زیادہ بیٹے ہوں اسبہ ہیں، برابر حصہ لیں گے. ایک بیٹا بیٹی مل کر ہیں تو یہ مل کر اسبہ ہیں، لیکن بیٹوں کو ڈبل ملے گا، بیٹی کو سنگل ملے گا. اور اگر صرف بیٹیاں ہیں تو پھر ان کا فرضی حصہ ہوگا، یہ اسبہ نہیں ہو سکتی. ایک بیٹی ہوگی تو کل جائیداد کا آدھا حصہ لے گی، اور اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں، دو یا دو سے زیادہ، تو وہ کل جائیداد کا دو تہائی لیں گی، وہ اس فرضی حصے سے زیادہ نہیں لے سکتی. یہ کل تفصیل ہے جو قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ لگی. اب یہ تو بیٹا بیٹی کا معاملہ ہے. میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ بیٹا بیٹی استعمال نہیں کیا، اللہ نے یہاں لفظ اولاد استعمال کیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم. اور اولاد کی بات کر کے پھر اللہ نے مرد اور عورت کی بات کی ہے آگے. اس سے ہمیں اولاد میں جو سب سے قریبی اولاد ہے بیٹا بیٹی، اور ان کی جو تفصیلات میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، ایک تو اس کی وضاحت ملی. اب اولاد میں تو صرف صلبی اولاد اور جو سب سے قریبی اولاد ہے بیٹا بیٹی وہ نہیں آتے، اولاد کی اولاد بھی تو اولاد میں آتی ہے، اولاد کی اولاد بھی اولاد میں آتی ہے. تو بیٹے کی اولاد، اگر ایک آدمی فوت ہو اس کا اپنا بیٹا تو موجود نہیں ہے، بیٹے کی اولاد موجود ہے، پوتا یا پوتی، یہ بھی اولاد ہے. اور اگر ایک آدمی فوت ہو اس کی اپنی بیٹی موجود نہیں ہے، لیکن اس بیٹی کا بیٹا بیٹی موجود ہے، یعنی اس فوت ہونے والے مرد یا عورت کا نواسا یا نواسی موجود ہے، کہنے کو یہ بھی اولاد میں آتے ہیں. اب کیا پوتا پوتی اور نواسا نواسی کا بھی یہی حصہ ہے جو ہم نے اولاد کا پڑھا؟ نواسا نواسی وہ بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہے، بیٹا بیٹی کی طرح پوتا پوتی ہیں. پوتا پوتی کا معاملہ بیٹا بیٹی کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ بیٹا بیٹی میں تو کوئی واسطہ نہیں ہوتا،
बाप या माँ और उनकी बेटा बेटी में कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन पोता पोती में जो वास्ता है वो मर्द का है। अगर मर्द का वास्ता हो तब फिर पोता पोती वो बेटा बेटी के कायम मुकाम हो जाते हैं। जहाँ तक नवासा नवासी का मामला है, वो भी कभी कभी बेटा बेटी के कायम मुकाम हो जाते हैं, लेकिन वो बाद में होते हैं। अगर कोई वारिस ना हो तब फिर नवासा नवासी भी वारिस हो जाते हैं, लेकिन अगर दीगर वारिस हों तब फिर नवासा नवासी बेटा बेटी की जगह पर नहीं आते। तो आप ये बात याद रखिए कि जो हुक्म बेटा बेटी का है वो हुक्म पोता पोती का तो है, लेकिन वो हुक्म नवासा नवासी का नहीं है। नवासा नवासी शाज़ो नादिर वारिस बन जाते हैं अगर किसी फौत होने वाले का कोई भी वारिस ना हो, तो फिर उस सूरत में नवासा नवासी वारिस बनते हैं, वरना वो बेटा बेटी के कायम मुकाम विरासत में नहीं होते। जहाँ तक पोता पोती का मामला है, तो अगर किसी आदमी की औलाद में उसका अपना सगा बेटा मौजूद है, तो अब पोते जितने भी हों, पोतियाँ जितने भी हों, ना कोई पोता वारिस है ना कोई पोती वारिस है। अगर अपना बेटा खुद मौजूद है तो अगर बेटा भी मौजूद नहीं है, बेटी भी मौजूद नहीं है, सगा बेटा बेटी मौजूद नहीं है, पोता पोती हैं, जो मामला बेटा बेटी का है वही मामला हूबहू पोता पोती का हो जाएगा। यानी अगर एक पोता हुआ वो असबा होगा कुल जायदाद का, या असहाबुल फराइज से बचने वाली जायदाद का। अगर ज़्यादा पोते हुए, चाहे वो एक ही बेटे से हों चाहे वो ज़्यादा बेटों से हो, लेकिन कोई भी बेटा नहीं है, दो पोते हैं, चार हैं, दस हैं, तो वो असहाबुल फराइज से बचने वाला सारा माल वो उनमें बराबर तकसीम हो जाएगा। अगर कोई असहाबुल फराइज में से नहीं है तो सारा का सारा माल पोतों में तकसीम हो जाएगा, अगर कोई बेटा नहीं है तो। और अगर पोता पोती दोनों मौजूद हैं तो लिज़्ज़करी मिस्ल हज़्ज़ुल उन्सैयैन पे अमल होगा, यानी ये असबा होंगे और पोते को डबल मिलेगा, पोती को सिंगल मिलेगा, जिस तरह बेटा बेटी का मामला है वही मामला पोता पोती का होगा, बशर्ते कि बेटा बेटी में कोई मौजूद ना हो। और अगर सिर्फ एक पोती मौजूद हो तो वो एक बेटी की तरह कुल जायदाद का आधा हिस्सा लेगी, बशर्ते कि कोई बेटा बेटी मौजूद ना हो। और अगर दो या दो से ज़्यादा पोतियाँ मौजूद हैं, चाहे वो एक बेटे से हैं चाहे वो ज़्यादा बेटों से हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो जितनी भी ज़्यादा हो जाएं, बेटे फौत हो चुके हैं सब, बेटियाँ फौत हो चुकी हैं, अब पोतियाँ हैं, चाहे वो 20 हो जाती हैं, वो 15 हो जाती हैं, वो 10 हो जाती हैं, वो जितनी भी हो जाएं वो दो तिहाई से ज़्यादा नहीं ले सकती। क्योंकि अल्लाह ताला ने औलाद के बारे में फरमाया, अगर औलाद में औरतें होंगी वो दो तिहाई से ज़्यादा नहीं ले सकेंगी। फ़ैन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इस्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक, दो तिहाई ले सकेंगी, इससे ज़्यादा नहीं ले सकेंगी। ये तो बड़ा वाज़े हो गया मामला, जो मामला बेटा बेटी का है वही मामला बेटा बेटी की अदम मौजूदगी में पोता पोती का है, लेकिन ये मामला नवासा नवासी का नहीं है, मैंने वजाहत कर दी है। अब सवाल पैदा होता है कि बेटा बेटी की मौजूदगी में पोता पोती की क्या हैसियत है, तो जो एक बड़ा मशहूर मसला है। बेटे की मौजूदगी में अगर कोई और बेटा मौजूद है और एक फौतशुदा बेटे का बेटा मौजूद है, यतीम पोता, तब क्या करना है? तो इस बारे में इस्लाम का वाज़े और बड़ा क्लियर कट जो उसूल है और मौक़िफ़ है वो ये है कि जो करीबी है वो वारिस होगा। अगर बेटा मौजूद है और साथ पोते पोतियाँ जितने भी मौजूद हैं, आप समझिए एक बेटा है और 10 पोते हैं, चाहे उनमें से कोई यतीम हो चाहे उनमें से कोई यतीम ना भी हो, अगर एक भी बेटा आ गया और 10 के 10 पोतों में से कोई एक भी वारिस नहीं है, क्योंकि हदीस मुबारक बड़ी क्लियर है सही बुखारी की, अल हक़ुल फ़राइज़ बि अहलिहा, फ़र्ज़ी हिस्से पहले उनको ख़त्म कर दो, उनके वो हिस्से दे दो फ़र्ज़ी हिस्से, फ़मा बकिया, जो बच जाए, फ़ली अउला रजुलिन ज़कर, वो सबसे करीबी मर्द का होगा। तो मरने वाले मर्द से या मरने वाली औरत से बेटा ज़्यादा करीब है कि पोता ज़्यादा करीब है? बेटा ज़्यादा करीब है। चाहे पोता ज़्यादा ज़रूरतमंद हो या विरासत में ज़रूरतमंद को नहीं देखते, ये बात भी याद रखिए, विरासत के अंदर असल चीज़ रिश्तेदारी है, जिसकी रिश्तेदारी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा करीबी रिश्तेदार होगा, वो पहले वारिस होगा। जिसकी रिश्तेदारी दूर की होगी, चाहे वो ज़रूरतमंद ज़्यादा हो, वो दूर का होने की वजह से महरूम हो जाएगा।
ये नहीं देखना कि किसको ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ज़्यादा ज़रूरत देखनी हो फिर तो, अगर दो बेटे हैं इस्लाम के मुताबिक दोनों बेटे बराबर वारिस हैं। वैसे अगर आप देखें कि आप, वो तो हर बंदा कहेगा कि अगर एक बेटा उसके वो खाता पीता है, दूसरा बेटा वो हैंड टू माउथ है, तो जो हैंड टू माउथ है उसको ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन इस्लाम में इस तरह नहीं है। ये जो हमने किसी की मदद करनी है, किसी की गमगुसारी करनी है, ये विरासत लेने के बाद कर ली जाए, लेकिन इसको विरासत से पूरा ना किया जाए। विरासत में दो बेटे बराबर हैं, 50 साल का बेटा और 1 साल का बेटा विरासत में बराबर है। ये नहीं कहेंगे वो 1 साल का है उसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये 50 साल का है इसे ज़रूरत नहीं है, ये तो कारोबार चला रहा है। दो बेटे हैं और दो बेटे बराबर के वारिस हैं, एक मालदार है एक गरीब है, दोनों बराबर के वारिस हैं। इसी तरह अगर एक बेटा है और एक पोता है या ज़्यादा पोते हैं, तो बेटे की मौजूदगी में पोता वारिस नहीं हो सकता। और हमारे पाकिस्तानी कानून के अंदर ये बात गलत तौर पे लिखी हुई है, जो किताब व सुन्नत के सरी खिलाफ है। कोई एक आलिम की राय भी ये नहीं है, वो हमारे आइली कवानीन में अयूब दौर से ये बिदत, अल्लाह माफ़ करे, जारी हुई हुई है और हमारे कानून का हिस्सा भी है कि जो यतीम पोता होता है उसे, वो अगर यतीम पोता हो वो उसे उसके बाप का हिस्सा दे देते हैं। वो कहते हैं इसके बाप को ज़िंदा कंसीडर करके उसका हिस्सा उसके बेटे को दे देंगे। अगर एक आदमी के दो बेटे थे, दोनों बेटों से हम फ़र्ज कर लेते हैं एक एक औलाद थी, एक एक बेटा था दोनों बेटों से, अब वो आदमी जो दादा है वो फौत हो गया, अब उसके दो बेटे थे लेकिन उनमें से एक बेटा उसकी ज़िंदगी में फौत हो गया, उस फौतशुदा बेटे का बेटा भी मौजूद है, पोता वो यतीम है, और वो जो दूसरा बेटा है वो हयात है दादा का, दूसरा बेटा इस यतीम पोते का चचा या ताया वो हयात है, उसका अपना बेटा भी ज़िंदा है। अब एक बेटा है और दो पोते हैं, एक पोता यतीम नहीं है, दूसरा पोता यतीम है, ये दोनों पोते वारिस नहीं हैं, ना यतीम पोता वारिस है ना जो यतीम नहीं है वो वारिस है, दोनों दूर के हैं, दादा से दोनों का रिश्ता दूर का है। अगर बेटा ना होता, एक बेटा भी ना होता, दोनों वारिस हो जाते, लेकिन जब बेटा आ गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है और आपकी ज़बान से हक के अलावा कुछ नहीं निकलता था, आपने फरमाया सबसे करीबी मर्द रिश्तेदार वारिस होगा, तो बेटा सबसे करीबी मर्द रिश्तेदार है। दो टोक नस मौजूद है, पूरी उम्मत का इजमा है, कोई सुन्नी कोई शिया किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हमारे कानून के अंदर ये चीज़ गलत शामिल है। हमारा जो सारा कानून है विरासत का वो तकरीबन सारा इस्लामी है, शरी है, सवाए एक दो चीज़ों के जिसमें ये मसला सही नहीं है यतीम पोते वाला। बेटे की मौजूदगी में ना पोता वारिस है ना पोती वारिस है, बेटी की मौजूदगी में पोता भी वारिस होता है पोती भी वारिस होती है, लेकिन कुछ तफसील है उसकी। बेटी अगर एक है और उसके साथ जितने भी पोते हैं, या बेटी एक हो या ज़्यादा हो तो पोते वारिस होते हैं। बेटी एक है तो वो आधा माल ले लेगी, ज़्यादा बेटियां हैं तो वो दो तिहाई माल ले लेंगी, जो बाकी बचेगा वो पोते ले लेंगे। अगर एक पोता है या ज़्यादा पोतियां हैं, पोते यहाँ असबा हो जाएंगे। हदीस मुबारका के मुताबिक अलहिकुल फ़राइज़ व अहलिहा, पहले असहाबुल फ़राइज़ को उनके हिस्से दे दो, बेटी या बेटियाँ असहाबुल फ़राइज़ हैं उन्हें उनका हिस्सा दे देंगे, जो बचेगा वो सबसे करीबी मर्द को दे देंगे। बेटी के साथ पोता तो वारिस हो गया, एक पोता या ज़्यादा पोतियाँ, अगर बेटी के साथ पोता पोती मुश्तरका आ गए तो वो दोनों मिलकर वारिस हो जाएंगे, क्योंकि पोता पोती मिलकर असबा बन जाते हैं। बस फ़र्क ये है कि वो जो असबा बनेंगे, पोते को डबल मिलेगा पोती को सिंगल मिलेगा, लेकिन जो बचने वाला होगा बेटी या बेटियों से, वो सारा पोते पोतियों में तकसीम होगा। अगर एक बेटी है और एक पोता और एक पोती है, कुल जायदाद 6 लाख है, तो बेटी को कितना मिलेगा? आधा। वह इम्कानत वाहिदतन फलहा निस्फ, बेटी एक है वो आधा लेगी 3 लाख 6 लाख में से, बाकी 3 लाख बच गया, ये अब असबा का है, और असबा पोता पोती मिलकर असबा हैं, वो 3 लाख के वारिस हैं। अब इन्होंने मिलकर ये 3 लाख लेना है, इस तरह लेना है कि पोते को डबल मिले और पोती को सिंगल मिले, तो 2 लाख पोते को दे दें 1 लाख पोती को दे दें,
तो विरासत तकसीम हो गई। तो बेटे की मौजूदगी में पोता भी वारिस हो गया, पोती भी वारिस हो गई, लेकिन बेटे की मौजूदगी में ये नहीं हो सकता। अगर बेटा एक भी आ जाए, पोता पोती हो, तो वो एक बेटा अकेला 6 लाख ले जाएगा, ना पोता वारिस है ना पोती वारिस है। लेकिन बेटी की मौजूदगी में पोता पोती, पोता भी वारिस हो जाता है अकेला या पोते भी, और पोते पोतियाँ मिलकर भी वारिस हो जाते हैं बतौर असबा। ज़्यादा बेटियाँ हों, 3 बेटियाँ हैं और 2 पोते 2 पोतियाँ हैं, फ़र्ज कर लें 3 बेटियाँ और 2 पोते 2 पोतियाँ, तो 3 बेटियों को 2/3 माल दिया जाएगा। ये फर्जी हिस्सा है इनका, कुल जायदाद का 2/3 जो बचेगा वो पोते पोतियों में, पोतों को डबल और पोतियों को सिंगल करके दे देंगे। 6 लाख अगर कुल जायदाद है और 3 बेटियां हैं, तो क्या करेंगे, 4 लाख पहले इन 3 बेटियों को दे देंगे, 4 लाख इन 3 बेटियों को देकर इन्हें फारिग कर देंगे। ये फ़र्ज़ी रिश्तेदार हैं, पहले इनको इनका फ़र्ज़ी हिस्सा दे दिया जाए। तो 4 लाख 3 बेटियों को, हर बेटी को 1,33,000, 1,33,000 देकर 4 लाख तो उनमें तकसीम कर दी गया, बाकी कितना बच गया, 2 लाख। उस 2 लाख में से आप समझिए, 2 पोते हैं 2 पोतियां हैं, मैंने जिक्र किया था कि आप लड़कों को डबल शुमार कर लें, आपके ये 6 अफराद हैं, ये 2 पोते 2 पोतियां 4 अफराद हैं, आपके ये 6 हैं, क्योंकि पोतों को डबल देना है, बाकी सारा इनमें तकसीम होना है, तो 2 लाख बाकी इनमें तकसीम होना, उस 2 लाख के 6 हिस्से होंगे, उन 6 हिस्सों में से 2-2 हिस्से पोतों को दे दें, 1-1 हिस्सा पोती को दे दें, 33-33,000 पोतियों को मिल जाएगा, 66,000 और 66-66,000 पोतों को मिल जाएगा, 2 लाख पूरा हो जाएगा, बेटियों को 1,33,000 4 लाख बेटियों को मिला 2/3, और बाकी 2 लाख बतौर असबा पोतों पोतियों में तकसीम हो गया। तो बेटी एक हो या ज़्यादा बेटियां हो, पोते पोती पोते हों सिर्फ, वो बतौर असबा वारिस हो जाते हैं, पोते पोतियां मिलकर हों वो वारिस हो जाते हैं। आखिरी सवाल रह जाता है जो बड़ा मुश्किल सवाल है, वो है कि अगर बेटी हो और पोती हो, पोती के साथ पोता ना हो, यानी पोते पोती को असबा बनाने वाला कोई ना हो, बेटी हो और पोती, अब अगर एक बेटी है और एक पोती है, ये दोनों औरतें हैं, दोनों औलाद में आती हैं, बस फ़र्क ये है, एक करीबी औलाद है एक दूर की है, लेकिन करीबी और दूर का फ़र्क असबा में पड़ता है, असहाबुल फराइज़ में उतना फ़र्क नहीं पड़ता कि बेटी पोती को महरूम कर दे, बेटी पोती को महरूम नहीं कर सकती। एक बेटी है और एक पोती है, तो इनको 2 शुमार करेंगे, 2 लड़कियां हैं, इनको 2 लड़कियां शुमार करेंगे, 2 लड़कियों को मिलाकर 2/3 देना है। अगर 2 बेटियां होती या 2 पोतियां होती, हम उनको कुल जायदाद का 2/3 देते। इसी तरह एक बेटी और एक पोती को दो औरतें 2 बेटियां शुमार कर लें, इन्हें 2/3 मिलना कुल जायदाद का। लेकिन अगर 2 बेटियां होती, 6 लाख में से हम उन्हें 2/3 देते, 4 लाख 2 लाख 2 लाख बराबर देते। अगर 2 पोतियां होती, हम उन्हें 6 लाख में से 4 लाख 2-2 लाख बराबर देते। लेकिन अगर एक बेटी और एक पोती है, मिलना इन्हें भी 4 लाख है, 6 लाख में से बराबर नहीं मिलना। बेटी करीबी है, पोती दूर की है, बेटी को आधा हिस्सा देंगे क्योंकि वो एक बेटी है, बेटी होने में वो अकेली है, उसे आधा दे देंगे, फिर 2/3 मुकम्मल करने के लिए जो बचेगा वो पोती को दे देंगे। और ये बात, ये इज्तिहाद नहीं है किसी आलिम का, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है जो आपने सहाबा किराम को दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मसला पेश हुआ, सही हदीस मुबारका में आता है, एक आदमी फौत हो गया, एक बेटी थी, एक पोती थी और एक बहन थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जो फ़ैसला फरमाया, आपने फरमाया लिल बिन्त निस्फ़ु, बेटी को आधा मिल जाएगा, कुरान के मुताबिक बेटी एक है आधा ले लेगी। आपने फरमाया वली बिन्त इब्न सुदुस तक मिलत लिसुलुसैन, जो बेटे की बेटी है पोती, उसे 1/6 हिस्सा मिल जाएगा 2/3 मुकम्मल करने के लिए। बहुत और तलब हदीस है, बहुत और तलब हदीस है, फरमाया पोती को 1/6 हिस्सा दे दो ताकि 2/3 मुकम्मल हो जाए। कैसे, यानी अगर 6 लाख में एक बेटी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हुआ कि बेटी को आधा दे दो, यानी 3 लाख 6 लाख में से, आपने फरमाया पोती को 1/6 हिस्सा दे दो कुल जायदाद का, यानी 6 लाख में से 1/6 हिस्सा 1 लाख, आपने फरमाया कि 6 लाख में से 1/6 हिस्सा
पोती को दे दो, ये बेटी का और बेटी का आधा और पोती का छठा हिस्सा मिलकर 2/3 बन जाएगा। बेटी का 3 लाख और पोती का 1 लाख, 3 और 1 4 हुआ, और 4 6 लाख का 2/3 होता है। ये दोनों बेटी पोती दो के कायम मुकाम होकर 2/3 तो लिया है, लेकिन 2/3 बराबर नहीं लिया, दो बेटियों और दो पोतियों की तरह 2/3 लिया है। बेटी ने आधा लिया है ज़्यादा, पोती ने छठा हिस्सा लिया है कम दूर होने की वजह से, लेकिन मिलकर दोनों का 2/3 हो गया। आपने फरमाया फमा बकिया फलिलुख्ती, जो बच गया वो बहन को दे दो। उसकी तफसील मैं बाद में बयान करूंगा बहन की। तो इससे हमारे सामने बहुत बड़ा उसूल आया कि अगर एक बेटी हो और एक पोती हो तो इन्हें दो कंसीडर करके 2/3 दे देंगे, लेकिन बेटी को आधा हिस्सा दे देंगे, बाकी बचने वाला पोती को दे देंगे। अगर पोतियाँ ज़्यादा हों, एक बेटी की मौजूदगी में पोतियाँ ज़्यादा हों, कोई बात नहीं, बेटी को निसफ ही दे दें और पोतियों को छठे हिस्से में शरीक कर दें, वो मिलकर 2/3 बन जाएगा। लेकिन ये बात याद रखिए, औरतें जितनी ज़्यादा क्यों ना हो जाएं, वो 2/3 से ज़्यादा नहीं ले सकती। एक बेटी है और फ़र्ज़ करें 10 पोतियाँ हैं, 6 लाख में से बेटी 3 लाख लेगी, एक है इस वजह से वो आधा हिस्सा लेगी। अब पोती एक है या 10 हैं, वो छठा हिस्सा लेंगी 2/3 मुकम्मल करने के लिए। 1 लाख वो 10 की 10 पोतियों में आपस में वो शरीक होकर 10 10 हज़ार ले लेंगी, 1 लाख पोतियों का और 3 लाख बेटी का, मिलकर 4 लाख हो गया। बाकी 2 लाख में बेटी पोती का कोई हिस्सा नहीं है, वो बाकी वरसा का है। अभी उनकी तफसील हमने नहीं पढ़ी। हम ये नहीं कहेंगे कि एक पोती होती तो फिर भी 1 लाख लेती, ज़्यादा पोतियाँ हैं वो फिर भी 1 लाख में शरीक होंगी, उनको बाकी 2 लाख में से दे दें, नहीं। कुरान कहता है फ़ैन कुन्ना निसान फ़ौक़ उस्नैनी, औरतें 2 से ऊपर जितनी भी हो जाएँ, फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक, उनको 2/3 मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। कुरान का नस मौजूद है। एक सवाल आखिरी रह गया, वक्त भी ख़त्म हो गया, मैं इसी पर अपनी बात को बस करता हूँ। अगर बेटियाँ ज़्यादा हो जाएँ, पोतियाँ कम हो जाएँ, बेटियाँ 2 हो जाएँ या 3 हो जाएँ और पोती 1 रह जाए, या पोतियाँ भी ज़्यादा हो जाएँ, जब भी बेटी 1 से ज़्यादा होगी, 2 हो जाएंगी, फिर पोतियों को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पोती को 2/3 मुकम्मल करने के लिए मिलना है। अगर 2/3 बेटियों में ही मुकम्मल हो गया तो पोती के लिए कुछ आगे नहीं आएगा। देखिए कुरान करीम में सिर्फ 1 लाइन है, 1.5 लाइन है, 1 हदीस मुबारक है, आप 50 मसले निकाल लें, ये कुरान करीम की का एजाज़ है। आप इससे 100 मसले हल कर सकते हैं इंतहाई मुख्तसर अंदाज में। आप कहेंगे अभी तो हमने कुरान करीम की 2 लाइनें ही पढ़ी हैं। ये सारे मसले जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, ये कुरान करीम की इन 2 लाइनों में, और ये जो सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है जो आधी लाइन की है, उससे ये सारे मसले निकलते हैं, और इनमें से कोई मसला भी इख्तलाफी नहीं है, इजमा, इन सब मसलों में इत्तेफाक है उलमा। और हमारे लिए ज़रूरी है हम इन चीज़ों को सीखें। आप में से कोई के ये तो जो फौत होगा उसको सीखने की ज़रूरत है, ये तो मरने वाले के साथ ताल्लुक़ है, मरने वाले की तो विरासत तकसीम होगी, जो जिंदा हैं लेना तो उन्होंने है, या आपने लेना है या आपके वरसा ने लेना है, तो ख़ानदान में कोई बताने वाला तो हो। हम कहते हैं जी हमें क्या ज़रूरत है सीखने की, हम उलमा से पूछ लेंगे। और फिर जब उलमा उल्टा सीधा बताते हैं, फिर आप ही कहते हैं कि जी कोई ये बताता है कोई वो बताता है, तो ये सारा मसला ख़त्म हो जाएगा अगर आप ख़ुद सीख लेंगे इन चीज़ों को। मोटी मोटी चीज़ें सीखना हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। नमाज के मोटे मसले सीखना, ज़कात के मोटे मसले सीखना, मोटे मोटे मसले विरासत के सीखना हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। जो न सीखे और न सीखने की वजह से गड़बड़ कर दे, अल्लाह के यहाँ मुजरिम होगा। तो ये मसले सीखें, मोटे मोटे मसले ज़रूर सीखें, जहाँ कोई गहरा मसला आ जाए फ़सअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। लेकिन ये न कहें कि दीन सीखना हमारा काम ही नहीं है, हमारा काम तो कारोबार करना है, हमारा काम तो फलां है। जब हम ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं उलमा पर, तो उलमा भी हमारी तरह इंसान है, उनमें भी अच्छे लोग भी हैं और उलमाए सू भी हैं, अल्लाह माफ़ करे। फिर हमें शिकायत होती है कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है, हमारा इतना कैलिबर होना चाहिए कि हम मालूम कर सकें कौन सही बता रहा है किताब व सुन्नत के मुताबिक और कौन सही नहीं बता रहा। और वो कब पैदा होगा, जब खुद थोड़ा सा पढ़ेंगे खुद थोड़ा सा सीखेंगे, तो वरना ये मसले ऐसे ही रहेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें किताब व सुन्नत,
سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب.